हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स, जो कंटिन्यूअस चल रहा है। 3 वीडियो आपने देखा है, आज हम 4th नंबर के वीडियो को लेके आया आपके लिए और आपको पूरा बेसिक फंडामेंटल मैं डिटरमिनेंट्स का क्लियर कर चुका हूँ और हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि हर वीडियो में मैं एक स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरे मैथमेटिक्स के वीडियो को थोड़ा आपको टेक्निकल वॉच करना होगा, क्यों मैं जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उनको कंप्लीट पैटर्न के बेस पर मैंने क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे इसका प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो एक अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, आज का जो क्वेश्चन वीडियो देखेंगे अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स आप मेरे एक एक वीडियो को देखते जाइए तो पूरा वो एक वीडियो एक स्पेशल टाइप के पैटर्न को लेकर रहेगा, जबकि बुक्स में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो मिसलेनियस कलेक्शन होता है। मिसलेनियस कलेक्शन मीन्स पहला क्वेश्चन अलग पैटर्न का, दूसरा अलग, फिर चौथा अलग, फिर छठवां अलग, एक्सरसाइज भी वैसे ही होते हैं, लेकिन मैंने सबको क्लासीफाई किया हुआ है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ते समय, वीडियो देखते समय इस बात को आप ध्यान रखना कि मैं किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए वो एक स्पेशल पैटर्न है जिसमें हम सभी क्वेश्चन को एक तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं आज के क्वेश्चन का। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस एक क्वेश्चन से मैं आपको पैटर्न क्लियर कर दूंगा। हमारा क्वेश्चन है डेल इक्वल, सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, डेल इक्वल टू जो डिटर्मिनेंट्स का हमको वैल्यू दिया हुआ है वो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है 1 + a 1 1 1 + a 1 1। नेक्स्ट रो इज 1 1 + b 1 1 + b 1 एंड नेक्स्ट इज 1 1 1 + c 1 1 1 + c। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है इसको हमको प्रूफ करना है। देखिए राइट हैंड साइड को भी मैं इसके नीचे में ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रूफ करना है, बहुत लिखना होता है तो टू पार्ट में बोर्ड को डिवाइड करके राइट हैंड साइड को नीचे लिख रहा हूँ। हमको प्रूफ करना है इक्वल ए बी सी अंडर ब्रैकेट 1 + 1/a + 1/b + 1/c इस फॉर्म में, और इसी को हम इस फॉर्म में भी प्रूफ कर सकते हैं ABC + BC + CA + AB। ये तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ ही जाएगा, क्लियर। तो ये हमको प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा और ये राइट हैंड साइड है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ये प्रूफ करना होता है, आज के वीडियो में मैं पूरे इसी तरह के क्वेश्चन का आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बताए थे जिसमें हम लेफ्ट साइड के डिटरमिनेंट्स को राइट साइड के डिटरमिनेंट्स में किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप क्वेश्चन, मैं बार बार एक बात मैथ्स क्लास में बोलता हूँ कि आप पैटर्न पकड़िए, पैटर्न, नहीं तो आप लाखों क्वेश्चन कर डालेंगे और आपसे बनेगा कुछ नहीं। और जो स्टूडेंट पैटर्न कैच करता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, तो फिर उसके लिए कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इजी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में कि हम ओनली हार्ड वर्क ना करें, हार्ड वर्क करें विथ स्मार्ट वर्क। मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन आपको थोड़ा टेक्निक को ध्यान देना है और इस तरह से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा उसको आपको पकड़ना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए मिले तो हम सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो ला नहीं सकते, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, दैट इक्वल, एक बार इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, रो को ऐड कर लें, कॉलम को ऐड कर लें, किसी भी को ऐड कर लें तो सिमिलरिटी नहीं आती। इस तरह के क्वेश्चन में एक खास बात यह है कि जो प्रूफ करना है उसमें आप देखिए ये है इस फॉर्म में है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ऑब्जर्वेशन, मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता हूँ कि मैथ्स को आप सीधा सॉल्व करने के बजाय पहले उस पर कीन ऑब्जर्वेशन करिए, सूक्ष्म निरीक्षण करिए, ध्यान से देखिए उसको। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ चाहिए और ये आपको कब आएगा, अपान में कब आएंगे, जब उसमें से आप कॉमन लेंगे। तो नेचुरली ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमको गाइड कर रहा है, खुद क्वेश्चन गाइड कर रहा है,
कि भैया मेरे को ऐसे बना ले, तो कैसे बनेगा ये? यदि मैं इसमें से ए कॉमन कर लूँ तो नेचुरली ये वन अपॉन ए हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ हम कॉमन कर रहे हैं, देखिए कहाँ से, फर्स्ट रो से ए कॉमन कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से ए कॉमन कर रहा हूँ, सेकंड रो से मैं बी कॉमन कर रहा हूँ और थर्ड रो से मैं सी कॉमन कर रहा हूँ, तो बाहर में हो जाएगा ए बी सी। कॉमन को लिखने की जरूरत नहीं है, या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से ए कॉमन करूँगा तो वन में से ए कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए होगा, ए में कॉमन होगा तो क्या हो गया, प्लस वन। क्लियर? वन से जब ए कॉमन होगा हो जाएगा वन अपॉन ए, यहाँ से वन कॉमन हो जाएगा ये भी हो जाएगा वन अपॉन ए, यहाँ से मैं बी कॉमन करूँ वन अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ से मैं कॉमन करूँ वन अपॉन बी प्लस वन वन अपॉन बी, यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन सी एंड वन अपॉन सी प्लस वन। इस तरीके से ए बी सी कॉमन करने के बाद हमारा देखो प्रूफ करने वाले फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। आप यहाँ पर देखो, यदि मैं रो फर्स्ट में रो सेकंड को रो थर्ड को ऐड कर लूँ तो ये वन है, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी नेचुरली आ जाएगा। तो क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को देखिए, वो आपको गाइड करेगा कि उसको क्या करना क्या है, सब चीज़ क्वेश्चन में छुपा होता है। दैट इक्वल, यहाँ पर हम अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा ऑपरेशन अब अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, आर वन टेंस टू, आर वन में हम करने वाले हैं क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये करने वाले हैं। तो वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट्स किस फॉर्म में आएगा ये हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों ऐड होंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। ठीक है, मुझे स्पेस का प्रॉब्लम होगा, मैं पहले इसको लिख लूँ, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी एंड नेक्स्ट इज आल्सो वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। और ऑपरेशन हमारा क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑपरेशन को, आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये प्रोसेस कंप्लीट किया, बाकी तो हम कॉपी कर लेंगे। ये हो जाएगा वन अपॉन बी प्लस वन एंड वन अपॉन सी वन अपॉन सी वन अपॉन सी प्लस वन। ये हमने ऑपरेशन या प्रोसेस अप्लाई किया, संक्रिया, हिंदी बोलते हैं संक्रिया। क्लियर? अब आपको दिख रहा है सीधा, देखिए कि तीनों कॉलम में ये कॉमन है, तो वहां से हम उसको कॉमन कर लेते हैं। दैट इक्वल, अब हम कॉमन कर लें वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ये हमने कॉमन कर लिया। देखो हमारा ये वाला टर्म आ गया। तो कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, वन ये भी वन ये भी वन, और यहाँ से वन अपॉन बी प्लस वन वन अपॉन सी वन अपॉन सी वन अपॉन सी प्लस वन। आज मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसमें इस तरह के कॉमन करने के बाद सभी क्वेश्चन में, लगभग जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सब में एक प्रोसेस के बाद वन 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 आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मैंने हर मैथमेटिक्स में, केवल डिटर्मिनेंट्स की बात नहीं है, हर मैथमेटिक्स में मैं स्टार्टिंग से मेरे पढ़ाने का टेक्निक ही है कि मैं क्वेश्चन क्लासीफाई करके पढ़ाता हूँ। क्लासीफाई करके मतलब एक टाइप के पैटर्न को एक साथ प्रैक्टिस किया जाए। मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मेथड है वो मिक्सअप होते जाता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। तो मेरे सभी क्वेश्चन में आज वन 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 आएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? अब जैसे ही आपको थ्री टाइम्स, तीन बार जैसे ही आपको वन मिलेगा तो नेचुरली आप दो जीरो पा सकते हैं। कैसे? यदि मैं इसमें इसको माइनस करूं और उसमें उसको माइनस करूं तो दो जीरो तो ऑलरेडी आएगा। और जैसे ही आपके थ्री क्रॉस थ्री के डिटर्मिनेंट्स में टू जीरो कंटिन्यूअस मिला तो कुछ मत सोचो, थर्ड के लिए उसको ओपन कर दो। यही पैटर्न है मेरे आज के वीडियो का। क्लियर? तो हम यहाँ पर दो जीरो ले आते हैं। दैट इक्वल, इसको मैं कॉपी कर लूँ, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। और टू जीरो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि एलिमेंट्स भी छोटे हो जाएं। यदि मैं इसमें इसको माइनस कर दूं तो वन अपॉन, इसमें इसको माइनस करूं जीरो आएगा, और इसी में इसको भी माइनस कर देते हैं
तो जीरो के साथ साथ एलिमेंट भी छोटे हो जाएंगे। तो मैं टू प्रोसेस एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ये कॉलम है ना, तो सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन, सी टू में सी वन को मैं माइनस करूँगा और सी थ्री में भी मैं सी वन को ही माइनस करूँगा। ऐसे टू ऑपरेशन हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले कॉलम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वन वन अपान बी वन अपान सी, इस कॉलम में इस कॉलम का माइनस होगा, तो सी टू माइनस सी वन होने से यहाँ क्या आ गया, जीरो। यहाँ आप इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, वन, और यहाँ माइनस करोगे तो जीरो। देखो टू जीरो तो कंटिन्यूस आएगा ही और एलिमेंट्स भी छोटे होते जा रहे हैं। इसके बाद इसमें इसी को माइनस करेंगे, सी थ्री है और सी थ्री में सी वन को ही माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो। और इसमें आप इसको माइनस करोगे जीरो हो जाएगा, इसमें आप इसको माइनस करोगे तो कैंसिल आउट होगा और ये वन हो जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट्स कितना छोटा हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर हमको लास्ट प्रोसेस क्या करना है, दैट इक्वल वन प्लस वन अपान ए प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान सी। ये अब हमको इस वन के लिए अपने डिटर्मिनेंट्स को ओपन करना है, क्योंकि टू जीरो कंटिन्यूअस हैं, वो तो ऑलरेडी जीरो हो जाएंगे। तो टू जीरो कंटिन्यूअस, उस दिन के आप मेरे क्लास में देखे होंगे थ्री जीरो अपन कंटिन्यूअस लाते थे, उस तरह के क्वेश्चन का मेरा कलेक्शन था। आज थ्री जीरो कंटिन्यूअस कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हमको जीरो प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ करना है। तो वन के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो इस रो को और इसके इस कॉलम को छोड़ देंगे, आपको पता है उसके लिए अपन जब सॉल्व करते हैं, ये पहले आपको बता चुका माइनर्स वगैरह। तो इसका साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो वन इंटू वन वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो मतलब ये वन। या आप इसको और ऐसा लिखना चाहें तो एक बार छोटा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, टू क्रॉस टू के ये जीरो वन, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं होती, ये वन होगा और दैट इक्वल ये हो जाएगा। अच्छा ए बी सी हमने यहाँ बाहर कॉमन निकाला हुआ है ना, ए बी सी यहाँ कॉमन निकाला हुआ है, वही मैं यहाँ देख रहा था। ये यहाँ पर ए बी सी को लिखना है, छोटा सा लिख देता हूँ मैं, ए बी सी ए बी सी, ये सब जगह ए बी सी रहेगा, इंटू ए बी सी साथ में मल्टीप्लाई रहेगा, इंटू ए बी सी यहाँ पर ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपान ए प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान सी, और ये जो मैं साल्व किया वो वन हो गया, वन लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये वाला पोर्शन हमारा प्रूफ हो गया। अब ये वाले पोर्शन को प्रूफ करना है तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यदि ए बी सी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वन के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ए बी सी, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए कैंसिल आउट होगा, तो बी सी यहाँ पर बी कैंसिल आउट होगा, तो सी ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी ए बी, ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इस तरह के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन इस पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में वन 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 लाने का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये वाला स्टेप आने के बाद आपको दो जीरो कंटिन्यूअस लाना है और उसको सॉल्व करना है, क्लियर। मैथमेटिक्स का मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करता, कारण बता चुका हूँ, क्योंकि उसका पीडीएफ आपके लिए गाइड जैसे काम करेगा। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन से, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहाँ क्लास में, उस क्वेश्चन का आपको नोट्स बना के रखना है। तो साथ में आप नहीं लिख पाते तो हर क्वेश्चन के बाद आपको मैं कुछ देर स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ, मैथमेटिक्स के क्लास में स्पेशली, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको बन जाएगा, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का अपन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम उसको एडजस्ट करते हैं। आपका टोटल फोकस होना चाहिए राइट हैंड साइड के प्रूफ करने पर और वन 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 लाने पर, किसी भी रो में कंटिन्यूअस या किसी भी कॉलम में कंटिन्यूअस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ए प्लस बी प्लस टू सी, डिटर्मिनेंट्स है ए प्लस बी प्लस टू सी, ए बी
ये एबीसी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप सीधा किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको एबीसी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट रो इज सी बी प्लस सी टू ए, सी बी प्लस सी प्लस टू ए एंड बी। नेक्स्ट इज सी ए सी ए सी प्लस ए प्लस टू बी, सी प्लस ए प्लस टू बी, और इक्वल हमको प्रूफ करना है 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए, देखने से ही सीधा लगता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब आप समझ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, एक बार फिर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे बार फिर a प्लस बी, तीसरे बार तीन बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा और वो प्रूफ हो जाएगा, देखने से पता चलता है। तो अब यहाँ पर देखो इसका प्रूफ, नाउ प्रूफ, प्रूफ में अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करेंगे, दैट इक्वल, अब मैं क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को मैं डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट ऑपरेशन पर ले जा रहा हूँ, आप एक बार उसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यदि हम कॉलम को, यदि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों को ऐड कर दें तो a प्लस ए टू ए हो जाएगा और b प्लस बी टू बी हो जाएगा, टू सी तो ऑलरेडी है तो टू ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन से हमको सीधा पता चलता है कि हमको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए, हमको करना चाहिए c1 वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये हम करते हैं, तीनों कॉलम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को मैं कॉमन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी देखो c प्लस सी, यहाँ पर भी वही काम होगा 2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी वही काम होगा 2 a प्लस बी प्लस सी, बाकी तो एज इट इज रहेंगे, a b प्लस सी प्लस टू ए एंड a, और यहाँ पर हो जाएगा b b c प्लस a प्लस टू बी, दैट इक्वल। अब यहाँ पर ये हम कॉमन कर सकते हैं, तीनों रोस हैं तो यहाँ से हम इसमें से कॉमन करें, मतलब कॉलम फर्स्ट से, सॉरी कॉलम फर्स्ट से इसको कॉमन करें तो 2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पर a b प्लस सी प्लस 2a a b b c प्लस ए प्लस टू बी। देखो ये तीनों वन वन आए, यही हमारा टारगेट रहता है, और ये कॉमन भी निकल गया। ये तीनों आने के बाद आपको दो जीरो लाना है, दो जीरो, दो बार वन में वन माइनस होगा, जीरो आ जाएगा। तो ये पैटर्न को आपको वाच करना है, बस यही चाहता हूँ मैं हमेशा से। एक बात अपने क्लास में बोलता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं। हजारों क्वेश्चन करके एक टाइप का क्वेश्चन किया, मतलब पैटर्न को पकड़ना है आपको। तो यहाँ पर दो जीरो लाने के लिए हमको क्या करना बेटर है, देखिए यहाँ पर टू जीरो लाने के लिए हमको पहले, टू जीरो तो आसानी से आ जाएगा, फिर भी पहले पर सोच लेते हैं कि क्या सही रहेगा। यदि हम इसमें इसको माइनस कर दें इसमें, तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें करें तो जीरो होगा, मतलब हम क्या करें, इसको वैसे ये दो जीरो लाते हैं तो ये क्या है, रो थ्री और रो टू, यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन, मतलब दोनों में आर वन को माइनस करते हैं। तो रो वन को मैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि तो सबसे छोटे एलिमेंट है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस आप सोचोगे कि सर इसको आप क्यों जीरो नहीं ला रहे हो, तो बड़ा एलिमेंट रख के हम करेंगे क्या, हमेशा छोटे एलिमेंट को बचाओ और बड़े बड़े एलिमेंट्स को डिक्रीज करो, छोटा करो। तो वन ए ए ए वन ए बी, वन ए बी ये होंगे। अब आर टू माइनस आर वन, इस आर टू में आर वन को माइनस, ये इसमें माइनस होगा, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करूंगा तो एक ए माइनस होगा और ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसको माइनस करूंगा, देखो एक जीरो और आया। जितना जीरो आए डिटर्मिनेंट्स में हमारे लिए बेस्ट है। इसके बाद इसमें हम इसी माइनस करेंगे, ये भी जीरो होगा ऐसा,
और इसमें इसको माइनस करेंगे a माइनस a, ये जीरो होगा, और यहाँ पर हम b को माइनस करें तो ये b क्या होगा, इसके साथ माइनस होके ये भी हो जाएगा। मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दैट इक्वल टू। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया जा सकता है रो टू से, क्योंकि जीरो में कुछ भी कॉमन कर सकते हैं और ये फिर कॉमन है। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया जा सकता है, तो ये r2 और r3 में a प्लस बी प्लस सी दो बार कॉमन हो गया, तो एक बार पहले ऑलरेडी है a प्लस बी प्लस सी, और दो बार कॉमन हो गया तो क्या हो गया, क्यूब। और हमारा डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 a b, ये हो गया 0, ये कॉमन हो चुका 1 0, यहाँ पर 0 0, ये कॉमन हो चुका 1, दैट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, अब हमको क्या करना है, इस 1 के लिए सॉल्व करना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो वही हाल हुआ, ये 1 माइनस 0 दैट मीन्स इंटू 1, जिसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये हो गया राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। देखो इन प्रश्नों का एक खासियत है, यदि ऐसा प्रॉपर प्रोसेस कोई पकड़े नहीं, कोई वॉच ना करे, तो पता है ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। कई बार यदि हम डिटर्मिनेंट्स का खासियत है, यदि जिस प्रोसेस से वो इजी होने वाला है उस वे में आप चले गए, तब तो 4 स्टेप 5 स्टेप में बन जाएगा। और सपोज हमने कोई रॉन्ग प्रोसेस पर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन तो इधर उधर रो कॉलम करते करते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है। तो आपको दो बात को ध्यान रखना है, पहला ये कि प्रॉपर ऑपरेशंस आपके ब्रेन में आने चाहिए कि मैं क्या करूं कि बहुत जल्दी बने, और स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हम इसी तरह का एक पैटर्न लेते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरह से अपन अप्लाई करेंगे। देखिए आपका पूरा फोकस, आप दो क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि आपको राइट हैंड साइड को देखना है और कोशिश करना है कि 1 1, मतलब एक रो एक कॉलम में सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसके आपको स्टेप्स को ध्यान रखने पड़ेंगे, ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, नेक्स्ट इज ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी सी, नेक्स्ट इज सी ए ए बी, सी ए ए बी और सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको डायगोनल में देखो ए बी सी, ये डायगोनल में ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ देखो ए बी है तो सी नहीं है, यहाँ पर ए सी है तो बी नहीं है, मतलब वो साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ए बी सी नहीं है, बी सी ए नहीं है, यहाँ पर ए है बी है सी है, यहाँ पर तीनों में ए कॉमन है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है यहाँ पर ए है, तो सब इसके आइडेंटिटी थोड़ा सा उसके आपको उसको वॉच करना है कि किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले प्रूफ करते हैं, तो क्या सोचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लेके अपने को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि यहाँ से यदि हम ए कॉमन कर लें, यहाँ से बी कॉमन कर लें, यहाँ से सी कॉमन कर लें, तो एलिमेंट सिंगल सिंगल हो जाएंगे। यहाँ से मैं ए कॉमन कर रहा हूँ फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से ए कॉमन करूँगा तो हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए कॉमन करूँगा तो बी हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन करूँगा तो सी हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन करूँगा ए हो गया, यहाँ से बी कॉमन करूँगा तो बी प्लस 1 अपॉन बी, यहाँ से सी, और यहाँ से सी कॉमन करूँगा तो ए, यहाँ से सी कॉमन, एक मिनट,
यहाँ से ए कॉमन, के यहाँ से बी, यहाँ से सी कॉमन करेंगे, ये गलत लिख लिया कि एलिमेंट्स ए बी नहीं हो सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में ही रहता है। हाँ, बी सी, देखो यहाँ पता चल जाता है ना, बी सी बिल्कुल क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में ही रहेगा। देखो यहाँ पर ए बी ए सी, सी ए बी, ऐसा रहेगा। तो यहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं क्या सी को, तो सी कॉमन करेंगे, यहाँ से सी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बी, यहाँ सी कॉमन करेंगे तो सी प्लस वन अपॉन सी। ये हमने रो आर वन से ए, आर टू से बी, आर ये कॉमन किया, दैट इक्वल। अब यहाँ पर एक खास बात आप देख रहे हो, इसमें पूरा ए ए हो गया, इसमें बी 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 हो गया, इसमें सी 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 हो गया, और हमको चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी सी कॉमन लिए है ना अपन यहाँ से, तो कॉमन को लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी, दैट इक्वल ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना, ये आर वन में, सॉरी सी वन में, सी वन में मैं ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब सी वन में ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स सी वन टेंस टू वन अपॉन ए, सी वन, सी टू वन अपॉन बी, सी टू इसमें, और सी थ्री वन अपॉन सी, सी थ्री। तो जब मैं इसका वन अपॉन बी कर रहा हूँ या उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मान के चलिए, तो बाहर उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर यदि मल्टीप्लाई करूँ, इसमें ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाहर क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर, या इसको ऐसा नहीं लिखते आप, बाई द वे ऐसा नहीं लिखते, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी, मतलब सी वन में ए मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसमें बी इसमें सी। तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्टमेंट के लिए इसको आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये ए बी सी मैं डिवाइड किया और इसमें ए मल्टीप्लाई किया, तो ए मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर और ए भी ए स्क्वायर, इसमें बी मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर प्लस वन होगा ना, ये मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा b, यहाँ पर b मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर b मल्टीप्लाई करूंगा बी स्क्वायर, यहाँ पर करूंगा तो सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस वन। तो ये मल्टीप्लाई किया और बाहर उसको डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो ये हमको चाहिए, तो यदि हम इसको अब क्या करें एड कर दें आर वन में, तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिल जाएगा, दैट इक्वल ये आर वन, ये हमारा ऑपरेशन होगा R1 वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों रो जब एड होंगे तो वन प्लस ए स्क्वायर, ये एड वन प्लस ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ये चाहिए ना अपने को, एक मिनट, रो को नहीं कॉलम को ऐड किया जाए, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉलम ऐड किया जाए, रो तो ऐड करने से ये थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा, देखो ये सब ध्यान रखना है, कॉलम ऐड करना है अपने को, मतलब सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये ऐड करना है, सी वन, सी वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम में अपन लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में तीनों का, ठीक है, तो इस कॉलम में तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी वन में हमने लिखा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में एक रो या एक कॉलम वो बनेगा ही, और वो भी ऐसे हो जाएगा तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी एलिमेंट्स को आप कॉपी कर लीजिए, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, नेक्स्ट इज सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, दैट इक्वल। अब हमको क्या करना है, R1 से इसको कॉमन करना है, सॉरी C1 से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम कॉपी कर लिए कॉलम कॉमन कर लिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, ये 1 1 1 आना ही है हर क्वेश्चन में, इस तरह के पैटर्न है क्वेश्चन में, ठीक है, यही लाने का कोशिश कर रहे हैं अपने को, बी स्क्वायर प्लस वन, ये बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर सी स्क्वायर,
सी स्क्वायर प्लस वन दैट इक्वल। अब नेचुरली आप देख रहे हैं दो जीरो लाना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जीरो लाना किस तरह से आसान होगा, देखिए यहाँ पर यदि हम ये जीरो लाए इसे माइनस होगा, इस तरह का हम पीछे कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन में भी यही सिचुएशन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन, वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ इसमें माइनस होगा जीरो, यहाँ पर ये माइनस होगा वन, यहाँ पर ये माइनस होगा जीरो, इसमें माइनस होगा जीरो, इसमें माइनस होगा जीरो, ये तो हम कर चुके हैं एक बार, यहाँ पर वन। नेचुरली दैट इक्वल टू आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हम इस वन के लिए सॉल्व करें तो इस रो और इस आलम के एलिमेंट भी छोड़ेंगे, ये वही जो अभी तक हर क्वेश्चन में आता है, ये वन और दैट इक्वल टू, ये क्या हो गया प्रूव, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो इतना तीन क्वेश्चन में आपका, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये तीन क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये वाला स्टेप, इस स्टेप में आपका ऑब्जर्वेशन सही हो तो दो स्टेप बाद एक सिमिलर टर्म्स आ जाता है जो प्रूफ करना होता है, उसके बाद वन वन आता है, सेम सिचुएशन बनता है, क्लियर। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। हो गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ये तीन क्वेश्चन में आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, बहुत से स्टूडेंट्स मैं जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि इस तरह के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत परेशान होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहां से करें, कैसे प्रूफ होगा। तो बस ये प्रैक्टिस का मैटर है, धीरे 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 आपको हैबिट हो जाएगा और बहुत कम स्टेप में आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अदरवाइज मैंने देखा है कि प्रॉपर यदि आपको गाइडलाइन ना हो तो बहुत लंबा खींचते हैं क्वेश्चन को, बहुत लंबा खींच देते हैं, छोटा क्वेश्चन 5 स्टेप बनने वाला क्वेश्चन को 10 स्टेप 15 स्टेप कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बता रहा हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर फोर, सभी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले ही हैं। ये हमको प्रूफ करना है वन प्लस साइंस पर एक्स का, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड फोर साइन टू एक्स, फोर साइन टू एक्स, नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फोर साइन टू एक्स, फोर साइन टू एक्स, सेम एलिमेंट ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड वन प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस फोर साइन टू एक्स, सॉरी साइन टू एक्स। और इसको हमको प्रूफ करना है टू प्लस फोर साइन टू एक्स, टू प्लस फोर साइन टू एक्स, ये हमको प्रूफ करना है, ये लाना है। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। यहां पर वन लाना है और आपको नेचुरली दिख रहा है कि वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स यदि ऐड हो जाए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इस तरह एलिमेंट छोटे हो जाएंगे, ये भी वही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्लियर, मतलब हम क्या करेंगे C1 वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू, सी वन में सी टू, उसको कुछ नहीं करते भी वैसे ही रहने देते हैं, वो कोई काम का नहीं क्योंकि इसके साथ ऐड नहीं होगा। तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स फोर साइन टू एक्स, नेक्स्ट इज ये भी वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फोर साइन टू एक्स एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स
cos square x 1 plus 4 sin 2x, ये हो गया। दैट इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, और 1 प्लस 1 2, ये भी हो गया 2, और ये तो ऐसे ही रहेगा। ये है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखो अब आगे तो कुछ होगा नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 4 साइन 2x, 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x, ये होगा। अब जीरो कहाँ कहाँ पर लाया जा सकता है, देखो यहाँ पर दो जीरो कंटिन्यूअस नहीं लेकिन अल्टरनेट आ सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये दो जगह जीरो आ जाएगा। तो दो कई बार यदि दो जीरो कंटिन्यूअस ना हो तो एक रो में दो जीरो हो तो बीच के एलिमेंट्स के लिए आप उसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करें, R1 में R2 को माइनस करते हैं, R2 में कर देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं अपन, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ये प्रोसेस अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, देखो पहले रो को तो मैं कॉपी कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2 cos square x होल साइन 2x, यहाँ पर कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ मैं, 2 में 2 माइनस होगा, ये जीरो हो गया, इसमें माइनस होगा cos square x, कैंसिल आउट होगा और बचेगा 1, और यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर रहेगा वही साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस 4 साइन 2x, दैट इक्वल। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये सेकंड नंबर के रो में दो जीरो तो आया है लेकिन लगातार नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो जीरो आया तो है तो हम किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, 1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको तरीका अपना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जिस एलिमेंट के लिए सॉल्व करना है उसको रो और कॉलम को छोड़ दो, तो इसके कॉलम को छोड़ दो और ये जिस रो में आता है इनको छोड़ दो और उनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आसान तरीका है। अच्छा, साइन के इसमें ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आएगा, सपोज यहाँ वन रहता तो माइनस आता, तो उसको आप ध्यान रखना माइनस, यहाँ तो प्लस आने वाला है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ऐसा हो जाएगा 2 4 साइन 2x एंड साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो दैट इक्वल। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इसके साथ में, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 साइन 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 साइन 2x, कहीं मिस्टेक कर दिए क्या अपन, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं आना था, क्वेश्चन लिखने में कोई प्रॉब्लम कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइंस में साइन स्क्वायर एक्स, देखिए ऑपरेशन में कहीं मिस्टेक कर दिए क्या, C1 में लिख रहे हैं C1 प्लस C2, हाँ देखो मैं गलती किया ना, C1 में थोड़ा ध्यान से करना है इसको, है ना, ये C1 में C2 किया हूँ तो यहाँ इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पर इन दोनों, यहाँ भी इन दोनों प्लस होंगे तो इन दोनों को प्लस नहीं किया, इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको प्लस करना भूल गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करना अपन भूल गए थे तो केवल साइन स्क्वायर लिख गया था, सब 1 होगा, वो तो प्रूफ में समझ में आ गया, ये वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये तो इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये आया इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इतना आया, अब ये 8 में 4 माइनस होगा तो 2 प्लस 4 साइन 2x, दिस इज राइट। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया, बहुत ही शॉर्ट में, ये क्वेश्चन इतना लेंदी है कि ये क्वेश्चन यदि प्रॉपर प्रोसेस से आप ना बनाओ तो बहुत लेंदी चला जाएगा, क्लियर। मैंने केवल इसको 1 2 3 4 5 6 स्टेप में, मतलब 5 स्टेप मान के चलो, तो प्रूफ वाला स्टेप है, तो ये मिडिल टर्म्स को मिडिल में जो आए उसको हम कैसे एक्सपांड करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया,
तो ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का इसलिए लिया कि कहीं आप मेरे समझाने के बाद कंटिन्यूअस दो जीरो लाने का कोशिश करेंगे, आ जाए तो बेटर है, कंटिन्यूअस दो जीरो ना आए तो किसी भी रो या कॉलम में दो जीरो आना चाहिए, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे बीच में कोई एलिमेंट है। तो बीच में जो एलिमेंट आएगा उसके लिए ओपन कर दो, जैसे यहाँ पर मैंने किसके लिए ओपन कर दिया, वन के लिए, तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। यहीं पर कुछ कुछ और एडजस्टमेंट करते रहता तो लेंदी हो जाता है। तो दो जीरो आने के बाद आप क्या करो, डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर दो, खुला कर दो, मतलब 2x2 में चेंज करके सॉल्व कर दो। ये 2x2 को हो गया, यहाँ पर ये 2x2 को हो गया, उसका डायरेक्ट ओपन कर दिए, क्लियर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब ये जब मैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हमको सोचना है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि कॉम्पिटिटिव में मतलब IIT JEE में क्वेश्चन पूछता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव में तो कैसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन में हमको दिया है कि डेल इक्वल टू साइक्लिक ऑर्डर में ABC को दिया हुआ है, ABC BCA और फिर मेरे ख्याल से होगा CAB, और यहाँ पर दिया है ABCR पॉजिटिव नंबर, मतलब ये धनात्मक है, ABC नेगेटिव नहीं है। तो हमको प्रूफ करना है कि डेल इज नेगेटिव, मतलब ये जो डेल का वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पर आप समझाता हूँ। ये डेल का वैल्यू है जहाँ पर ABC जो है वो सब पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सबके सब पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा तो वो डेल क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ये बात हमको प्रूफ करना है। तो नया पैटर्न का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम डेल इक्वल टू अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, ABCBCA CAB दैट इक्वल, अब यहाँ पर हम सबको कॉलम वाइज एड कर दें, C1+C2+C3 या R1+R2+R3, तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पर कुछ भी करें वही आएगा। यहाँ पर हमने कर लिया सपोज R1 tends to R1 plus R2 plus R3, तो ये इस रो में सब ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ABC A+B+C BC, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर भी वही आएगा A+B+C, यहाँ पर भी आएगा, R1 में अपन कर रहे हैं तो A+B+C, ये हो जाएगा BC A CAB, क्लियर। अभी हम कॉमन कर लेते हैं दैट इक्वल, देखिए इसको हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा A+B+C, पैटर्न वही है, लाएंगे हम 1 1 1, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, इसके बाद BCA CAB, पैटर्न बिल्कुल वही चल रहा है, 1 1 आ गया, दो जीरो ले आते हैं, लेकिन इसमें प्रूफ कुछ अलग ढंग से करना है, A+B+C। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 0 लाने के लिए कहीं पर भी ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं सपोज 0, तो C3 tends to C2 को लिखो पहले, C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1, तो फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लीजिए 1 BC, सेकंड कॉलम हो जाएगा 0 C-B और A-C, इसमें माइनस हो रहा है, यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा A-B, इसमें ये माइनस हो रहा है ना, रहेगा B-C। अब 2 0 आ गया तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A+B+C किसके लिए सॉल्व करेंगे इसको, इस 1 के लिए,
इस वन के लिए साल्व करेंगे, ये रो कॉलम छोड़ेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी और माइनस इनका इनके साथ में ए माइनस बी ए माइनस सी ऐसा होगा दैट इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी सी, सी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस सी स्क्वेयर। या एक काम करते हैं, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लूँ, बाहर लिख देता हूँ उसको माइनस कॉमन करके, माइनस कॉमन कर लूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा, या यहीं से मुझे माइनस कॉमन कर एक स्टेप बच जाएगा हमारा। चलिए यहाँ मैं माइनस कॉमन कर लिया तो सी माइनस बी को फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस सी लिख सकता हूँ, इससे काम आसान हो जाएगा हमारा। ये माइनस कॉमन कर लिए, अब बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उसको एक्सपान कर देते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी दोनों का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए ए का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस ए स्क्वायर, ठीक। फिर ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करें अपन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से भी माइनस में कॉमन कर लूँ, दो बार माइनस कॉमन कर लूँ, एक बार माइनस यहाँ से, एक बार माइनस यहाँ से, माइनस तो सब में से कॉमन करेंगे ना अपन, ठीक ओवरऑल कॉमन करो। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना इससे वहाँ पर साइन गड़बड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं माइनस कॉमन किया तो ये माइनस, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सीधा कॉमन नहीं होगा ये, क्या क्यों थोड़ा ध्यान देना, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, लेकिन इसको मैं माइनस कॉमन लिखूँ तो माइनस दोनों से कॉमन होगा ना, मैं एक ही जगह से कर दिया था, माइनस यहाँ से भी कॉमन होगा तो यहाँ से, क्योंकि ओवरऑल कॉमन कर रहे हैं, तो अब ये माइनस कॉमन किया तो माइनस कॉमन करने से अब ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए माइनस बी, मैं केवल एक जगह से कॉमन कर रहा था, जब यहाँ से कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर तो कॉमन यहाँ से भी होगा, ठीक है। अब दैट इक्वल आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, दैट इक्वल माइनस, इस माइनस का बड़ा रोल है यही प्रूफ करने है अपने को, डेल इज निगेटिव तो ए प्लस बी प्लस सी, आगे इसको एक्सपांड कर दें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी। एक बार साइन को ध्यान दीजिए, ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए इंटू सी माइनस ए सी, इसके साथ में माइनस ए बी, इसके साथ ए प्लस बी सी। अब यहाँ पर जो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये माइनस टू बी सी इसके साथ में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद यहाँ पर इसको मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद ये माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस बी सी में ये माइनस होगा तो माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये हो गया। इसको हमको फार्मूला फॉर्म में लाना है तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखिए आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, ये वाले पोर्शन को मैं इरेज करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को स्पेस कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपको लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं क्वेश्चन है, ये हो गया ले लिए। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला पोर्शन मैं मिटाता हूँ ना, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट देखिए, दैट इक्वल माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ मैं टू डिवाइड कर रहा हूँ तो अंदर टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर ध्यान देना, तो यहाँ पर अंदर टू मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर और माइनस
2AB माइनस 2BC माइनस 2CA या AC, ये हो जाएगा दैट इक्वल माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। यहाँ पर देखो इसमें से एक स्क्वायर ए स्क्वायर इसके साथ में एडजस्टमेंट करें, 2A स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, एक पार्ट ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर ले लें अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर एक बार ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2CA, कितना बहुत इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अदरवाइज फिर आप इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर को दो बार लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2A स्क्वायर को, 2B स्क्वायर को दो बार लिखा बी स्क्वायर, यहाँ पर एक बी स्क्वायर, वैसे सी स्क्वायर को, ऐसा क्यों किया गया है, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब हम इसको सबको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इतने को अलग इतने को अलग इतने को अलग, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आगे के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो नंबर है पॉजिटिव होगा क्योंकि होल स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव होगा और यह वाला वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि सब होल स्क्वायर है। और a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ABC आर पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर पूरा वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन सामने में जो ये वैल्यू निकल के रखा है माइनस, तो पूरे पॉजिटिव वैल्यू में जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि डेल इज निगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दस द वैल्यू ऑफ डेल इज निगेटिव, मतलब डेल का वैल्यू क्या होता है ऋणात्मक होता है। क्लियर, तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये वाला स्टेप को आपको एडजस्टमेंट करके दिखाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि इसका होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ऐड होंगे तो पॉजिटिव होगा, ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी पॉजिटिव है क्वेश्चन में, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, लेकिन सामने में जो निगेटिव है वो मल्टीप्लाई होकर पूरे पॉजिटिव वैल्यू को क्या कर देगा निगेटिव कर देगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कुछ चीज़ आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको प्रूफ नहीं करना है कुछ, सिर्फ ये बताना है कि द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज निगेटिव, ये साइन बताएगा। ठीक है, इस तरह से आज मैंने कुछ स्पेशल कलेक्शन का क्वेश्चन आपको दिया, ये डिटर्मिनेंट्स का मेरा फोर्थ पार्ट का एक्सरसाइज था जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। आप लगातार और अपने बुक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, और अभी हम डिटर्मिनेंट्स में ही, बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट को लेकर डिटर्मिनेंट्स में ही आपके साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।